प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और जन्मदिन पर हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पंचकुला स्थित माता मनसा देवी मंदिर में हवन पूजन करवाया और प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया के साथ कई नेता मौजूद रहे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। देश भर में बीजेपी की ओर से कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71 साल के हो चुके हैं और इस खास मौके पर आज पंचकुला मनसा देवी मंदिर में भी हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ इस यज्ञ में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबी उम्र की कामना भी इस हवन यज्ञ में की गई। सर, क्या क्या कार्यक्रम है आने वाले आज के दिन में, क्योंकि सिर्फ आज ही नहीं लेकिन आज से लंबे समय तक अक्टूबर माह तक भी ये जो दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी आ रही है, तो ये एक लंबा कार्यक्रम है जो प्रदेश में चलने वाला है जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर, और मैं कहूँगा कि सरकार में जब वो पहुँचे, सरकार के माध्यम से सेवा का व्रत उस दिन उनका शुरू हुआ था और उसके 20 साल पूरे हो रहे हैं। तो पूरा 20 दिन आज से लेकर 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक, दोनों तारीखें बहुत ऐतिहासिक हैं, तो पूरे 20 दिन तक उनके जन्मदिन के जो सेवा और समर्पण के कार्यक्रम हैं वो चलेंगे। आज से हम रक्तदान शुरू कर रहे हैं, 71 स्थानों पर रक्तदान करेंगे जी। हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, 7100 स्थानों पर 10-10 पौधे लगाएंगे, 71,000 पौधारोपण करेंगे। उनकी जो नाना प्रकार की उपलब्धियाँ हैं, वैश्विक उपलब्धियाँ जो हैं, देश के महानायकों को जिस तरह से उन्होंने श्याम जी कृष्ण वर्मा की अस्थियाँ अपने माथे पर रख के लाए थे स्विट्जरलैंड से, जिस प्रकार से स्टेचू ऑफ यूनिटी का उन्होंने निर्माण किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जिस भाव के साथ उन्होंने स्मरण किया है, तो महानायकों के साथ मोदी जी देश की अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से उन्होंने संभाला है, जिस प्रकार से उन्होंने भारत माता को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता के साथ सबको कनेक्ट किया है, मातृशक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला उद्धार उज्ज्वला, ऐसी सब योजनाओं से जैसे महिला सशक्तिकरण का काम किया है, जैसे वो विद्यार्थी और युवाओं के साथ जुड़ते हैं परीक्षा के समय में, मन की बात के साथ जुड़ के वो पूरे भारत की जनता के साथ जुड़ते हैं, उनके काम के जितने भी आयाम हैं, बहुआयामी व्यक्तित्व हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके हर आयाम पर, एक हर जिला केंद्र पर जो है हमारा एक सेमिनार होने वाला है। उसके साथ साथ 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को हम हर बार एक बूथ पर मनाते हैं, 20,000 बूथों पर इस बार भी उनकी स्मृति को हम ताज़ा करेंगे और दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अंत्योदय, ये लोगों तक पहुंचाने का काम उसके माध्यम से करेंगे। गांधी जी जिस प्रकार से भारत को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, जैसे हिंद स्वराज नाम की उनकी पुस्तक है और जिसको नेहरू जी ने नकार दिया था कि आपके रास्ते पर हम नहीं जा सकते, लेकिन हम गांधी जी के रास्ते को, गरीब कल्याण के रास्ते को श्रेष्ठ मानते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत पर सेमिनार्स जो है उसमें करेंगे, उस दिन खादी के वस्त्र सब खरीदेंगे पहनेंगे, तो खादी को जो गांधी जी ने बढ़ावा दिया था जी। मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता से, उस दिन खादी का एक एक कुर्ता पजामा या जो भी वो पहनते हैं वो जरूर खरीदे खादी भंडार पर जाकर, तो खादी को बढ़ावा देने का उस दिन काम करेंगे। तो निरंतर 20 दिन तक ये नाना प्रकार के कार्यक्रम हमारे चलने वाले हैं। हम हर बूथ पर जाकर ये पूछने वाले हैं 2 से 7 तक कि टीकाकरण करा लिया क्या जी। कोई भी घर हम इस नाते से छोड़ेंगे नहीं, और 20 लाख पत्र प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद के ज्ञापित करेंगे कि जो योजनाएं, किसी को फसल बीमा से लाभ हुआ है, किसी को किसान सम्मान निधि से हुआ है, किसी को आयुष्मान कार्ड से हुआ है, किसी को उज्ज्वला योजना से हुआ है, जिसकी वो मुद्रा योजना से हुआ है, किसी को जनधन से हुआ है, किसी को अन्य जो मिल रहा है गरीब कल्याण के लिए उससे हुआ है, जिस भी योजना से उसको लाभ हुआ है, वो थैंक यू प्रधानमंत्री जी कि आपकी इस योजना का लाभ हम तक पहुंचा है, तो उसके लिए आभार व्यक्त करने के लिए हर बूथ से 100 पत्र लिखवाए। एक आखिरी सवाल धनखड़ जी मेरा यही है कि आपने बहुत सारे काम गिनाए जो अच्छी योजनाएं प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई, लेकिन अब जिस तरह से एक माहौल जो है अब प्रदेश में जो एक कमेटी बनाई गई है हाई पावर कमेटी किसानों से बातचीत करने के लिए और जो रास्ते हैं बॉर्डर्स के उन्हें खोलने के लिए, कैसे देखते हैं आप इस निर्णय को और क्या लगता है कि जो आउटलाइन है वो कमेटी फिलहाल बना रही है किसानों से बातचीत करने के लिए, क्या कोई सकारात्मक रवैया मिलेगा? सरकार सदा बातचीत करती रही, सरकार में बातचीत के दरवाजे सदा खुले हैं और निश्चित रूप से समाधान की अपेक्षा तो हमेशा सब
पॉजिटिविटी के साथ चलते हैं। कैमरा पर्सन भारत भूषण के साथ साक्षी शर्मा, जी मीडिया, पंचकुला।